हेड सेल का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में अपना जो टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा कंपनी की सदस्यता। इसके कुछ टॉपिक आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कंपनी की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ कंपनी। तो क्या होता है, मेंबर कौन होता है कंपनी का? हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेंबर कौन होता है और कौन हमारी कंपनी का मेंबर बन सकता है, मतलब कौन सदस्य बन सकता है, सदस्य कौन होता है। देखो, जो व्यक्ति हमारी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, हमारी कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम एंटर होता है, वह व्यक्ति हमारी कंपनी का सदस्य है। सीधी सी बात है, जहां कंपनी में कुछ ही होगा, किसी हर पर्सन का होता है, किसी और व्यक्ति का होता है जो कि हमारी कंपनी में कार्यरत है या अपना योगदान दे रहा है या उसने अपने हमारी कंपनी के कुछ शेयर दे चुके हैं, तो वो कंपनी तो वो व्यक्ति हमारी कंपनी का सदस्य बन सकता है। वही कंपनी का वही जो व्यक्ति होता है वो हमारी कंपनी में मतलब सदस्य के रूप में ऐड होता है। सीधी सी बात है, लेकिन जो हमारी कंपनी के शेयर खरीदता है, जो हमारी कंपनी के शेयर खरीदता है वो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए खरीदता है, जैसे लाभ के लिए खरीदता है, उसने कुछ शेयर खरीदते हैं, जबकि हमारी कंपनी के जो रजिस्टर है उसमें उसका कोई भी किसी भी प्रकार से नाम एंटेड नहीं है, तो वो व्यक्ति हमारी कंपनी का सदस्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो शेयर खरीद रहा है और वो शेयर खरीद रहा है और उसका शेयर खरीदने का मतलब सिर्फ इतना है प्रॉफिट, मतलब उसका कंपनी के रजिस्टर में कोई लिखा देखा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो हमारी कंपनी का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन होगी कि मेंबरशिप कौन होता है, मेंबर कौन होता है हमारी कंपनी का, जो भी व्यक्ति हमारी कंपनी के रजिस्टर में एंटर होता है उसका नाम एंटर होता है और वो कुछ योगदान कंपनी के लिए देता है। कुछ योगदान जैसे या कार्यरत हो, या उसने बहुत ज्यादा शेयर दे चुके हो, या उसका प्रॉफिट से ना होकर कुछ मतलब हेल्प होने चाहो, तो उसका नाम एक कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है और वही रजिस्टर में नाम लिखे जाते हैं जो हमारी कंपनी के सदस्य होते हैं और उसी को हम अपनी कंपनी का सदस्य कहते हैं। अब पढ़ लिया कंपनी के सदस्य कौन बन सकता है, क्वेश्चन क्या होता है, ये तो होगी कंपनी के सदस्य का कि कंपनी का सदस्य कैसा होता है, मतलब कंपनी के एक रजिस्टर में उसका नाम एंटर सीधी सी। फिर हमारी कंपनी का सदस्य कौन बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बन जाएगा क्या हमारी कंपनी का सदस्य? नहीं। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो कंपनी के सदस्य बन सकते हैं या नहीं बन सकते, जैसे आवास बन सकता है कि नहीं बन सकता है, दवाई बन सकता है कि नहीं बन सकता है, विदेशी व्यक्ति बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा आवेश। देखो, आवेश के साथ किया गया कोई भी अनुबंध शून्य ही माना जाता है, कभी पूरा नहीं माना जाता। तो आवेश के साथ हम चाहे कोई भी किसी प्रकार से अनुबंध करते हैं, किसी प्रकार से कॉन्टेक्ट करते हैं, वो कॉन्टेक्ट हमारा कैसा माना जाता है, शून्य माना जाता है। एंड दूसरा है हमारा दिवाली। दिवाली क्या होता है, दिवालिया भी हमारी कंपनी का सदस्य बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक उसका नाम हमारी कंपनी के रजिस्टर में एंटर होता है। जब तक एक दिवाली को, दिवाली के लिए क्या होता है क्वेश्चन हमारा ये होता है, तो दिवाली का सीधा सा मतलब होता है जिसकी संपत्ति से ज्यादा दायित्व हो जाती है वो अपने आप को कह देता है कि हम दिवालिया हैं, भाई साहब हमारे पास कुछ नहीं बचा। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को अपनी पूरी संपत्ति दे देता है और गवर्नमेंट को ये अधिकार भी दे देता है कि हमारी संपत्ति को बेचकर जिसका जहां हो ऋण चुका सकते। तो दिवालिया व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं अवेलेबल होता है क्योंकि उसके दायित्व भी इतने हो जाते हैं कि उसकी संपत्ति को बेचने के बाद भी उसका दायित्व नहीं चुकता है। तो दिवालिया व्यक्ति हमारी कंपनी का सदस्य बना रहता है, लेकिन कब तक बना रहता है? जब तक उसकी कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम एंटर होता है, उसकी सारी संपत्ति पर गवर्नमेंट अपना अधिकार नहीं जमा देती तब। एंड नेक्स्ट है हमारा विदेशी। विदेशी व्यक्ति क्या हमारी कंपनी का सदस्य बन सकता है ना? तो कंपनी अधिनियम 2000 के अंतर्गत जब भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी व्यक्ति को एक परमिशन दे देती है अपनी कंपनी में सदस्य बनने के लिए, तो वह कंपनी का सदस्य बन सकता है। अब रिजर्व बैंक की बात यहाँ क्यों आ गई? रिजर्व बैंक की बात इसलिए आ गई क्योंकि जो अगर जैसे व्यक्ति विदेशी हो तो हमारे यहाँ तो पैसे चलते हैं, तो हम उसको प्रॉफिट भी पैसे में देंगे, लेकिन उसको अपने यहाँ क्या चाहिए, उसको एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे, तो उसको रिजर्व बैंक की परमिशन जरूरी है।
और अगर कंपनी अधिनियम 2000 और रिजर्व बैंक की परमिशन के साथ कोई भी विदेश विदेशी व्यक्ति हमारी कंपनी का सदस्य आसानी से ही बन सकता है। नेक्स्ट है साझेदारी फर्म। सीधी सी बात है, साझेदारी फर्म अगर कोई साझेदारी फर्म है तो उसको लीगली पर्सन नहीं कहेंगे, ये लीगली पर्सन नहीं होता है, और जहाँ ये लीगली पर्सन नहीं होता है वहाँ ये कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। कौन नहीं बन सकता है? साझेदारी फर्म नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो लीगली पर्सन होगा वो हमारी लीगली कंपनी का सदस्य बनेगा, सीधी सी बात है। और साझेदारी फर्म एक लीगली पर्सन नहीं होता है। परीक्षा में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको